राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। आपका स्वागत करते हुए राज्यवर्धन जी, तीन बड़ी वजह अगर मैं आपसे जानना चाहूं, 270 ये प्रचंड जीत है बीजेपी की, जिस तरीके से लगातार आगे की ओर बढ़ती हुई उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी, तीन बड़े कारण, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या गिनाना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ, आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। देखिए, ये जो रुझान आ रहे हैं ये जनता का आशीर्वाद है, ये एक दिन से नहीं हुआ, ये कई सालों की मेहनत है। एक विश्वास जब जनता में होता है कि इस पार्टी में, इस पार्टी की लीडरशिप में, इस पार्टी के कार्यों में, और जिस तरह की राजनीति भारत में हो रही थी, जिस तरह की राजनीति इन प्रदेशों में हो रही थी, उससे हटकर जो राजनीति दिखी उससे ये विश्वास हुआ। अब उसमें सुशासन भी शामिल है, उसमें योजनाएं घर घर तक पहुंच रही है वो भी शामिल है, उसमें महिलाओं की सुरक्षा शामिल है, ये सभी चीजें इसके अंदर शामिल है। ये तमाम बड़ी बातें आप गिनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपके कई ऐसे मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, यूपी को अगर छोड़कर मैं दूसरे राज्यों की बात करूं, उत्तराखंड में वहां पर पुष्कर सिंह धामी पीछे चल रहे हैं, गोवा से सावंत साहब को लेकर इस तरह की खबरें सामने आई हैं, और बीजेपी पंजाब में अच्छा करने की उम्मीद जरूर कर रही थी, लेकिन कैप्टन को साथ में लेकर भी तीन सीटों के इर्द गिर्द ही दिखाई दे रही है, तो वहां पर पंजाब में ये हाल क्यों हो गया, और मुख्यमंत्रियों को लेकर इस तरह की स्थिति बीजेपी के भीतर कैसे बन गई, इसका भी जवाब आपसे राज्यवर्धन जी। आपका सवाल मुझे पूरी तरह सुनाई नहीं दिया, बीच बीच में कट रहा था, लेकिन जितना मैं समझ पाया हूँ मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये जो चार राज्यों में जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लीड कर रही है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का काम जनता को दिख रहा था, और उस वजह से जनता को भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप में, उनकी नीतियों में, उनके काम पर, उनके लीडरशिप पर विश्वास है। पंजाब की जहाँ आप बात कर रहे हैं, पंजाब के अंदर अभी तक पंजाब के लोगों ने कांग्रेस पे को आजमाया, उन्होंने अकाली दल को आजमाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी वहाँ पे सरकार नहीं बनाई है, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप वहाँ पे नहीं रही है, और हमारी शुरुआत वहाँ पर अभी हुई है। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से कहा कि हम सत्ता के लिए नहीं आ रहे, हम सेवा के लिए आ रहे हैं, और देश में एक परिवर्तन लाना चाहते हैं, राजनीति में परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो वो लड़ाई एक या दो दिन की या तीन चार साल की नहीं है, ये बहुत लंबी लड़ाई है जो हमने अभी पंजाब में अब शुरुआत करी है। तो आप आगे देखिएगा कि पंजाब के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी में के जो काम है उसमें एक विश्वास जगेगा, समय लगेगा इसके अंदर। जीत तो अच्छी आपकी दिखी रही है राठौर साहब, उत्तर प्रदेश में इसे प्रचंड जीत ही कहा जाएगा, लगातार दूसरी बार, जो कोई वहां नहीं कर पाया पिछले तीन दशक से। उत्तराखंड में भी अच्छी स्थिति दिख रही है, मणिपुर में भी जबरदस्त, गोवा में क्या होगा सर? गोवा में देखिए मामला अटका हुआ है और कांग्रेस वाले अपने विधायकों को छिपा रहे हैं आप लोगों से, 18 पर आप अटके हैं और 11 पर वो। जिस तरह की नियत होती है इंसान वैसे ही काम करता है, तो जो ये कांग्रेस पार्टी जो छुपाने के काम कर रही है, ये दशकों से ऐसा ही काम करती आई है, तो वो अपनी नियत के हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी गोवा के अंदर सरकार थी और इस बार फिर वहां पर सरकार बनाएगी, उसमें कोई किंतु परंतु की बात ही नहीं है।